हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मेक और क्रिएट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इन फोटोशॉप सीसी। ये आज ट्यूटोरियल हम इसलिए बना रहे हैं फ्रेंड्स कि मुझे काफी लोगों ने बोला है कि सर हमारा एक हर फोटोग्राफर का जो है एक लोगो होता है जिसे वो एम्बॉस करना चाहते हैं अपनी जो भी इमेज वो क्रिएट करते हैं, फिर उसको जब वो सोशल मीडिया पे या वेबसाइट पे या इंस्टाग्राम पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी को ईमेल करते हैं तो वो चाहते हैं कि हम अपना जो उनका सिग्नेचर है या उनका जो लोगो है वो ट्रांसपेरेंट हो और वो अच्छे से हम किसी भी इमेज के ऊपर उसको एम्बॉस कर पाए। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने जो है अपने कोई भी फोटोग्राफ या कोई भी लोगो को जो है हम किस तरह से ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं फोटोशॉप सीसी में। तो ये ट्यूटोरियल सभी जो बिगनर फोटोशॉप सीसी सीख रहे हैं या फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं उन सभी बिगनर्स के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल है। तो ये वीडियो आप जो है पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हमें उस इमेज को ओपन करना है जिसपे जिसको हमें उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करना है। तो सबसे पहले मैं अपना ही जो लोगो है मनीष सक्सेना का उसे मैं ओपन कर रहा हूँ फोटोशॉप में। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आ गया है, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए मनीष सक्सेना, अब ये जो बैकग्राउंड है आप देख रहे हैं इसका जो बैकग्राउंड है व्हाइट है, हमें पूरा चाहिए ट्रांसपेरेंट, एकदम ट्रांसपेरेंट, ताकि हम जो ये मनीष सक्सेना सिग्नेचर है इसको हम लिफ्ट कर सके ट्रांसपेरेंट और फिर हम इससे किसी भी इमेज या जो भी हमारी फोटोग्राफ है उस पर हम एम्बॉस कर सके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मैजिक वैंड टूल है इसे सिलेक्ट करना है। ये देखिए मैंने मैजिक वैंड टूल इस्तेमाल किया और आप देख सकते हैं कि ये इसने पूरा जो है इमेज को सिलेक्ट कर लिया है और मेरे सिग्नेचर को भी। अब हमें यहाँ पर करना है राइट क्लिक। तो जैसे हम राइट क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो ये देखिए ये ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है सेलेक्ट इनवर्स। तो जैसे हमने सेलेक्ट इनवर्स किया तो आप देख सकते हैं कि जो फॉन्ट्स है हमारे मनीष सक्सेना के ये सारे सेलेक्ट हो गए, बाकी जो पूरी इमेज थी वो अभी पूरी इमेज सेलेक्ट नहीं हुए, खाली जो हमारे सिग्नेचर के जो फॉन्ट्स है वो सेलेक्ट हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, पहले देखना है इसका इमेज साइज क्या है। तो ये जो हमारा सिग्नेचर का इमेज साइज है ये दिखा रहा है 560x418 पिक्सल। सेम साइज का ही हमें एक नया ट्रांसपेरेंट जो है एक क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ये देखिए न्यू, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 560x418 और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर तीन ऑप्शन है वाइट बैकग्राउंड कलर एंड ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ हमें ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट करना है क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं अभी प्रोफाइल जो है एडोबी आरजीबी 1998 सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो अपना लोगो या सिग्नेचर जो बनाया था वो इसी में बनाया था एडोबी आरजीबी 1998 में। अब यहाँ हम कर देते हैं इसे ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है एक पूरा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट क्रिएट हो गया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें अब सेलेक्ट करना है ये मूव टूल और यहाँ से हम इसे लिफ्ट करेंगे। अब यहाँ से हमें जो है ये पूरा लिफ्ट करके ये देखिए हमने ट्रांसपेरेंट जो हमारी हमने क्रिएट किया था यहाँ पे ट्रांसपेरेंट या हमने इसको शिफ्ट कर दिया है। मैं थोड़ा सा अभी इसको जूम इन करूँगा लेकिन अभी ये पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ए के बीच में अभी भी वाइट दिखाई दे रहा है, ई के बीच में हमें वाइट दिखाई दे रहा है, यहाँ सक्सेना के अंदर ए ई और ए के बीच में हमें वाइट दिखाई दे रहा है। तो ये भी हमें अभी ट्रांसपेरेंट करना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम वापस जो है मैजिक वैंड टूल सेलेक्ट करें और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए एरिया सेलेक्ट किया, अब हमें अपने कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस करना है। ये देखिए मैंने डिलीट प्रेस किया, ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसी तरह हम ई पर गए, फिर हमने डिलीट प्रेस किया, ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया। फिर यहाँ ई पर हम गए, ये वाइट बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट किया और जैसे हमने डिलीट किया ये ट्रांसपेरेंट हो गया। फिर हमने ए को सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। फिर उसी तरह हमने ई को हमने यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, ये डिलीट हो गया। फिर नीचे ई के अंदर हमने वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट किया मैजिक वैंड टूल से और डिलीट का बटन प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे, तो ये देखिए पूरा डिलीट हो गया। इसी तरह ए को हमने सेलेक्ट किया, ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि पूरा मेरा जो सिग्नेचर देखेंगे मनीष सक्सेना ये पूरा कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप फाइल में जाना है और यहाँ हम जो है इसे सेव एज पे क्लिक करेंगे। अब जब आप सेव एज पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि ये जो हमें
जेपेक के अंदर इसे सेव नहीं करना है, इसे हमें सेव करना है पीएनजी पे। अगर आप जेपेक पे सेव करेंगे तो फिर आपका जो बैकग्राउंड है वाइट हो जाएगा, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड बना रहे हैं तो हमें जो हमारा फॉर्मेट है वो पीएनजी होना चाहिए। यहाँ अनटाइटल्ड सेव एज अनटाइटल्ड वन पीएनजी मैंने फाइल नेम दे दिया और ये डेस्कटॉप पे हमारे सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ डेस्कटॉप पे, ये सेव किया मैंने और ओके पे मैंने बटन प्रेस किया। तो अब मैं भी फोटोशॉप एक बार क्विट कर देता हूँ और देखते हैं हमारे डेस्कटॉप पे आया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये अनटाइटल्ड ये पूरी फाइल जो है, ये देखिए यहाँ पर एक नया क्रिएट हो गया है पीएनजी। ये हमारा पुराना वाला था जेपेग सिग्नेचर, ये पीएनजी। अब इसे मैं दोबारा एक बार खोल लेता हूँ फोटोशॉप में। ये देखिए ये खुल गया हमारा अभी फोटोशॉप में। तो आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट मेरा जो अभी ये हमने क्रिएट कर लिया। यानी कि आप कोई फोटोग्राफ हो या कोई भी आपका लोगो हो या आपका सिग्नेचर हो, इस तरह से आप पूरा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें अपनी इमेज, जिस इमेज पे हमें काम करना है, जिस पे एम्बॉस करना है, वो इमेज भी हम ओपन कर लेते हैं एक बार। तो ये इमेज है, ये मैंने अभी एक शूट किया था थोड़ी दिन पहले, आपको दिखाया भी था। तो मैं इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ। सो ये देख सकते हैं, अब इस इमेज के ऊपर हमें जो अपना ये एम्बॉस करना है, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि ये इमेज जो है जेपेग में है और थोड़ी बड़ी साइज़ में इमेज है और हमारा लोगो भी यहाँ काफ़ी बड़ा है। तो हम पहले जाएंगे इमेज के ऊपर और फिर हम सेलेक्ट करेंगे इमेज साइज़। यहाँ 560 की जगह लगभग हम सेलेक्ट कर लेते हैं 300 पिक्सल्स और हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, ये देखिए, ताकि थोड़ा सा हम इसको छोटा कर पाएँ। और अब इस फाइल को हम ट्रांसपेरेंट फाइल को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं। अब यहाँ मैंने सेलेक्ट पे क्लिक किया एंड सेलेक्ट ऑल। अब हम यहाँ फिर मूव टूल पे जाएंगे और यहाँ से हम सीधा इसको ड्रैग करके इमेज के ऊपर लेके आएंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ मैंने अपना जो सिग्नेचर है या मेरा लोगो है मैंने इसको एम्बॉस कर दिया है। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो किसी भी तरह की पिक्चर के ऊपर ये आप इसको एम्बॉस कर सकते हो। ये एक एडवांटेज है फ्रेंड्स। तो देखा आपने, हमने 5 मिनट के अंदर कितनी जल्दी से अपना जो है बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर लिया। और चाहे वो इमेज हो या आपका लोगो हो या आपका सिग्नेचर हो, ये टेक्निक सेम ही है इसको बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करने की। तो चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए और हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे आप देख रहे हैं सब्सक्राइब नाउ का बटन, उसे जल्दी से क्लिक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आपको एक बेल आइकन नजर आएगा, उस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो रिलीज़ हो तो आपको पता चल सके कि आज हमारा नया वीडियो रिलीज़ हुआ है। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।